अरे मुरली कहाँ रह गए रे, जल्दी से आ काम पे लग जा। हाँ साहिब, आया साहिब। कल भी एक ग्लास तोड़ दिया था, पैसे कटो फ्री के आते हैं क्या? बोला ना सेठ, सॉरी, काहे को गरम होते, टारगेट से चाय ज्यादा बेच दूंगा। उगली तो हर बार तो बोलता रहता, टारगेट तेरा पूरा होता नहीं है। चल साथ में चाय दे क्या ना। अरे मुरली, बस आगे चल, चाय बेचने जाना, आ जा। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, गरम चाय, गरम चाय, गरम चाय। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय दू, गरम चाय, गरम चाय, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय दू, चाय दू, चाय दू। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, गरम चाय, गरम चाय। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, गरम चाय, गरम चाय, गरम चाय। ए छोटू, इधर आना। बोलो साहिब। एक चाय देना। लो साहिब। क्या नाम है तेरा? मुरली साहिब। मुरली, इधर कैसे? कमाने के लिए साहिब। कमाने? कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से? ओहो, इतनी दूर से, पर इधर क्यों? बोला ना साहिब, कमाने को बापू ने भेजा है। और तू आ गया? आना पड़ा साहिब, हिसाब के कारण। हिसाब? गांव में से के यहाँ साहिब बाबू काम करते थे, थोड़ा कर्जा लिया था, चुका ना पाए, इसलिए बदले में मेरे को रख दिया। ओ, तो तू यहाँ ऐसे आया? हाँ साहिब, ऐसे। अपने आई बापू का इकलौता है क्या? नहीं साहिब, तीन भाई और एक बहन है। तो बाकियों का क्या? एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है, सबसे बड़ा भाई बॉम्बे कमाता है और मैं दूसरे नंबर। अच्छा, पढ़ना लिखना किया कभी? तीसरी तक पढ़ा तो था साहब, फ्री का खाना मिलता था तो बाबू बेचता था, फिर उठा कर गाँव के सरपंचों के खेतों में लगा दिया। मन नहीं होता कर जाने को? होता है ना साहब, पर मन पर किसका जोर। ओह, वैसे तू कब तक ऐसे काम करता फिरेगा? क्या मालूम साहब, 2 साल या फिर 10 साल। मुझे यहाँ से छुड़ाने में मैं कुछ मदद करूँ? मेरे जैसे लाखों बच्चे इस देश में मजदूरी कर रहे हैं, कोई अनाथ है तो किसी के सर पर परिवार की जिम्मेदारी। मुझे तो आप छुड़ा देंगे, पर उन लाखों का क्या? तो तू ही बता, मैं तेरे लिए क्या करूँ? मेरी किस्मत तो इस चाय की कटली के साथ ही जुड़ी है, मुझे तो यही करना है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। 10 रुपये साहेब। और कर भी क्या सकता हूँ, मजदूर हूँ ना साहेब। भविष्य के विवेकानंद का हाल ये क्या हो रहा, आज का भविष्य किस दलदल में खो रहा।
उसकी आंखें तरसती है दो वक्त के खाने को, वह नन्हा सा बचपन मजदूरी में क्यों खो रहा। यह कोई मजाक का खेल नहीं, भूखे पेट में जान नहीं, करवाते हो मजदूरी दिन भर, क्या ये बच्चा इंसान नहीं। इस पाप को मिटाना है, बाल मजदूरी को हटाना है। हमारे देश में अनेक लोग, छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूर का जीवन यापन कर रहे हैं। वो किसी भी कारण से बाल मजदूर है, चाहे वो घरों में है, चाहे किसी व्यावसायिक संस्थान पर है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे बाल मजदूरों की मदद करें, उनको शाला में प्रवेश दिलाने के ऊपर काम करें और ये देखें कि वो किस कारण से बाल मजदूर हुए हैं, उन कारणों को दूर करने की कोशिश करें। ये कारण दूर करेंगे तो हम हमारे राष्ट्र को सच्चे मायने में विकास की तरफ ले जा पाएंगे। धन्यवाद।